हाय गाइस, महिंद्रा ने गाड़ी तो लॉन्च कर दी बिग डैडी, लेकिन ये नाम की ही बिग डैडी है, सच में इसके काम भी बिग डैडी वाले हैं। आज की वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे और जानेंगे डिटेल में। बाकी महिंद्रा की एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी, यानी कि महिंद्रा ने ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर के हाफ प्राइस में फॉर्च्यूनर के बराबर और तगड़ी गाड़ी लॉन्च कर दी। मतलब इसका साइज तो भाई फॉर्च्यूनर के बराबर है, ये बात तो पक्की है, लेकिन वो बात अलग है कि फॉर्च्यूनर अलग गाड़ी है, उसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब ये गाड़ी मैच नहीं कर सकती, लेकिन ये थोड़ा बहुत साइज तो बराबर है भाई, लेकिन फॉर्च्यूनर का जो फील है भाई, वो स्टेटस सिंबल गाड़ी है। फॉर्च्यूनर जिसके पास होती है, लोग इसे ऑटोमेटिकली पैसा वाला कंसिडर करने लगते हैं, यानी कि उनकी मतलब गिनती अपने आप ही पैसे वाले लोगों में आने लगती है। बाकी इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी, मेरे कमर से ऊपर इसकी बोनट की हाइट जा रही है। मतलब गाड़ी ठीक है भाई, ओवरऑल अच्छा पैकेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में ऐसी कुछ देखने को मिलती है आपको, क्रोम की ग्रिल जो कि 7 स्पोक के साथ आती है। बाकी यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फ्लिश देखने को मिलेगी, महिंद्रा का न्यू लोगो, और उसके नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी सबसे नीचे को देखने को मिलता है आपको सिल्वर स्किड प्लेट, ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि आपको कम्प्लीटली LED सेटअप के साथ आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नीचे को फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग लैंप भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी पूरा का पूरा आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करते हैं इसके बोनट की, भाई बोनट काफ़ी ऊंचा है, देख रहे हो, मतलब अच्छी खासी इसकी हाइट है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, और देखते हैं साइड में आपको कितना कुछ स्पेस देखने को मिलता है, कितनी लंबी देखने को मिलती है। उससे पहले बात करते हैं इसके टायर्स की, टायर्स आपको अपोलो के देखने को मिलेंगे जो कि आपको 18 इंच के देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऑल फोर आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी, और भाई टायर्स आपको यानी कि डायमंड का डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपको ब्रॉड से URBMs, उनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई 360 डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर, क्रोम की आपको पट्टी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको क्रोम बिडिंग। बाकी ऊपर को आपको रूफ रिल्स एंड सनरूफ देखने को मिल जाता है जो कि छोटा वाला है। पैनोरामिक चाहिए तो आप XUV 7W की तरफ जा सकते हैं, गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो आपको फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो भाई रियर से ऐसे कुछ नज़र आते हैं आपको वॉल्वो स्टाइल टेल लैम्प जो कि आपको कम्प्लीटली LED सेटअप के साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, महिंद्रा का न्यू लोगो, बाकी ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं आपको डोर हैंडल्स। पीछे की ओर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, रियर बाइफर डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाता है। बाकी अब ओपन करते हैं इसके रियर टेलगेट को, और देखते हैं कितना कुछ आपको स्पेस देखने को मिलेगा। भाई जैसा कि ये 7 सीटर गाड़ी है तो इतना कुछ अच्छा, मतलब इतना अच्छा स्पेस तो नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत नॉर्मल स्पेस होगा, छोटा मोटा आप बैग रख सकते हो, ये 7 सीटर वाला गाड़ी है। बाकी यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और नीचे को देखने को मिलता है स्पेयर व्हील, यानी कि इसमें आपको नीचे को स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा जो कि 17 इंच का, यानी कि एक साइज आपको छोटा स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। बाकी गाड़ी मतलब पीछे से मुझे लुक थोड़ा इसका अजीब सा ही लगता है मुझे, बाकी फ्रंट से काफ़ी अच्छा खासा लुक लगता है, लेकिन रियर से मुझे काफ़ी गंदी लगती है भाई, सच में रियर से मुझे इसका लुक इतना गंदा लगा, मतलब रियर से इसके लुक को थोड़ा मतलब वैसा बना दिया ना, ओल्ड वाली स्कॉर्पियो है, ओल्ड वाली स्कॉर्पियो का रियल लुक है भाई क्या तगड़ा है, मतलब वो वाला लुक अगर इसमें होता तो भाई गाड़ी 4 चांद लग जाती है, इसका रियल लुक बस थोड़ा ख़राब है। बाकी अपनी अपनी चॉइस हो सकता है, किसी को ये वाला लुक भी पसंद आता हो, मुझे तो भाई नहीं पसंद आता। बाकी इंटीरियर में जाने से पहले देखते हैं इसकी की आपको वही देखने को मिलेगी, महिंद्रा की टिपिकल लॉक अनलॉक, और मतलब बीच वाले बटन को होल्ड करके रखते हो तो बूट ओपन हो जाएगा। बाकी की आपको फ्लिप की देखने को मिलती है। तो चलिए अब बैठते हैं इसके इंटीरियर में, भाई अब बैठते हैं स्कॉर्पियो के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। भाई अब मैं बैठ चुका हूँ स्कॉर्पियो के इंटीरियर को, और एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को एक एक करके, यानी कि सारे कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। बाकी व्यू देख रहे हो, मतलब आपको क्लियर बोनट नजर आता है भाई इस गाड़ी में से, मतलब फॉर्च्यूनर से भी ऊंची गाड़ी है भाई, मतलब कुछ भी कहो महिंद्रा ने गाड़ी एक नंबर बना दी भाई, मतलब सच में यार मैं फॉर्च्यूनर की सेल्स को खा रही है भाई ये। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है फुली स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील जो कि आपको डी कट डिजाइन में देखने को मिलेगा। बाकी फुली आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, इस साइड देखने को मिलता है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और वॉल्यूम के कंट्रोल्स, बाकी इस साइड देखने को मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल। बाकी यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी, बीच आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर, यानी कि इस साइड आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, बीच आपको MID देखने को मिल जाती है। बाकी इस साइड आपको RPM पता चलता है, और इस साइड आपको स्पीड पता चलती है, RPM आपको 7000 तक देखने को मिलेगा, जैसा कि ये डीजल गाड़ी है तो 7000 तक होगा, और स्पीड आपको 220 तक देखने को मिल जाएगी। बाकी बीच में आपको MID देखने को मिलेगी, जिसमें आप रेंज डिस्टेंस टू MT कितना चलेगी, TPMS और मतलब फ्यूल का लेवल वगैरह सारा कुछ पता कर सकते हो इसी MID से। बाकी इस साइड देखने को मिलता है आपको वाइपर्स के कंट्रोल, इस साइड देखने को मिलती है आपको
इंडिकेटर्स के कंट्रोल, लाइट्स के कंट्रोल। बाकी बात करते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसका सेंट्रल कंसोल, जो कि एलसी के स्टाइल में यानी कि लैंड क्रूजर के जैसा सेंट्रल कंसोल देखने को मिलता है। और सेंट्रल कंसोल आपको ड्यूल टोन देखने को मिलेगा, यानी कि चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। बाकी 10 इंच की आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एड्रेनो कनेक्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इस साइड देखने को मिलता है आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ गाइस, इसमें आपको ड्यूल जोन एसी देखने को मिलेगा, यानी कि इस साइड वाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड और इस साइड वाले अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ बटन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको कुछ बटन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हजार्ड लाइट ऑन करने का, कैमरा देखने का, यानी कि खड़ी गाड़ी में आप कैमरा देख सकते हो जैसे ये दिख रहा है। बाकी कैमरा काफी गंदा देखने को मिलेगा और यहाँ पर सबसे नीचे को देखने को मिलता है आपको दो यूएसबी के पोर्ट और यहाँ पर आपको फोन रखने के लिए जगह देखने को मिल जाएगी। भाई जैसा कि ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब देखने को मिलेगा, पार्किंग, रिवर्स एंड न्यूट्रल। बाकी आप इसे मैनुअल पर भी ड्राइव कर सकते हो, मैनुअल आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी, दो आपको कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसा कुछ देखने को मिलता है आर्मरेस्ट में आपको ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलती है। बाकी बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो ऐसा कुछ ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है जो कि कूल्ड है और उसमें आपको लाइट भी देखने को मिल जाती है। बाकी ये पार्ट आपको पूरा सॉफ्ट टच फिनिश में देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपको एसी के बेल्ट्स। बाकी ऊपर की ओर आपको सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि इस गाड़ी में सोनी के स्पीकर्स आते हैं, तो यानी कि इसमें आपको सोनी का सराउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी ये यहाँ पर आपको एक सब वूफर भी देखने को मिल जाता है। और एक सबसे गंदी बात भाई, कंपनी 26 लाख ले रही है इस गाड़ी में, इसमें आपको भाई ऑटोमेटिक आईआरबीएम नहीं मिलता, देख रहे हो मैनुअल आईआरबीएम देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल देखने को मिलेंगे और यहाँ देखने को मिलता है आपको सनरूफ के कंट्रोल। बाकी लाइट आपको व्हाइट कलर की देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको सनवाइजर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता, इस साइड आपको जरूर एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है जो कि लाइट के साथ आता है। बाकी ये मतलब काफी अच्छा खासा इंटीरियर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको कर्टेन एयरबैग देखने को मिलेगी, जिनकी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। भाई गाड़ी काफी ऊंची है, इसीलिए इसमें आपको हैंड जी क्या बोलते हैं, आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसकी रियर सीट पर और देखते हैं रियर सीट पर कितना कंफर्ट देखने को मिलता है। बाकी रियर सीट पर जाने से पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के कंट्रोल्स की, तो ड्राइवर साइड डोर पर आपको ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, डोर लॉक एंड अनलॉक करने के बटन देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको ओआरपीएम एडजस्ट करने के बटन भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसकी रियर सीट पर और देखते हैं रियर सीट पर कितना कंफर्ट देखने को मिलेगा। गाड़ी को करता हूं बंद। दिस इज द स्पेस ऑफ स्कॉर्पियन भाई, ये इसके रियर सीट का स्पेस। बाकी रियर सीट में आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है, ऐसा कोई खास वो नहीं है। बाकी मेरे पैर टच नहीं हो रहे, ये सीट फुल पीछे है, फुल पीछे के बाद मेरे पैर टच नहीं हो रहे। बाकी सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको एसी के बेल्ट देखने को मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, यहाँ से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं इसकी स्पीड को। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी का पावर पोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी सीट में आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, दोनों ही आपको एडजस्टेबल नेकरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी पीछे से ऐसा कुछ नजर आता है इसका इंटीरियर, जो कि काफी खूबसूरत भी है। ऊपर की ओर आपको एक सनरूप देखने को मिल जाता है, मैं भूल गया, इसमें आपको एक सनरूप देखने को मिलेगा, जो कि छोटा है, पैनोरामिक नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, काम तो चला ही रहा है, सनरूफ तो दे ही दिया। बाकी बात करते हैं थर्ड रो सीट्स की, तो थर्ड रो सीट में आपको इतना कोई खास स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। और अगर आपको थर्ड रो सीट में जाना है तो इस वाली सीट को आप ऐसे आगे फोल्ड करके यहाँ से आप थर्ड रो में जा सकते हो। बाकी बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, तो चलिए अब दिखाता हूँ इसका इंजन। भाई इसका इंजन दिखाने के लिए ये गया मैं यहाँ,